देवास जिले में त्रिस्तरीय पंचायत निर्वाचन में पंच, सरपंच, जनपद पंचायत सदस्यों को विजयी प्रमाण पत्र विकासखंड मुख्यालय पर प्रदान किए गए। जिला पंचायत सदस्य के निर्वाचन परिणाम की घोषणा जिला मुख्यालय 15 जुलाई को होगी। उल्लेखनीय है कि जिले में त्रिस्तरीय पंचायत निर्वाचन दो चरणों में कराया गया है, जिसमें प्रथम चरण में बागली, कन्नौज तथा खातेगांव विकासखंड में 25 जून को 10 जिला पंचायत सदस्य, 73 जनपद पंचायत सदस्य, 275 सरपंच, 4380 पंच पदों पर निर्वाचन करवाया गया तथा द्वितीय चरण में देवास, सोनगच और टोंक खुर्द में 1 जुलाई को 8 जिला पंचायत सदस्य, 65 जनपद पंचायत सदस्य, 221 सरपंच पद तथा 3615 पंच पदों पर निर्वाचन कराया गया। जिले में त्रिस्तरीय पंचायत निर्वाचन में 18 जिला पंचायत सदस्यों, 138 जनपद पंचायत सदस्यों, 496 सरपंच तथा 7995 पंच पदों के लिए निर्वाचन कराया गया। मतदान के लिए 1498 मतदान केंद्र तथा 83 क्लस्टर बनाए गए थे। त्रिस्तरीय पंचायत निर्वाचन में 803817 मतदाता थे, जिसमें 416038 पुरुष मतदाता, 387766 महिला मतदाता तथा 13 अन्य मतदाता शामिल हैं। क्योंकि आप लोगों को मालूम है कि जो मतगणना है वो पंचायत में मतदान केंद्रों पर ही होती है। आज माननीय आयोग के निर्देशानुसार 14 तारीख को सारणीकरण का कार्य किया गया है, जिसमें सरपंच के लिए, पंच के लिए, जनपद सदस्य के लिए एवं जिला सदस्य के लिए खंड स्तरीय सारणीकरण का कार्य किया गया है। इसमें पूरे अधिकारी कर्मचारी लगे हैं जिनने सारणीकरण का कार्य किया है। साथ ही पंच, जनपद सदस्य एवं सरपंच के लिए उनको विजयी प्रमाण पत्र भी यहाँ पर दिया जा रहा है। जिला पंचायत सदस्य के लिए चूँकि खंड स्तरीय यहाँ पे आज सारणीकरण हुआ है, कल जिला स्तरीय सारणीकरण माननीय जिलाधीश महोदय द्वारा किया जाएगा, जिसमें प्रमाण पत्र उनके द्वारा वितरित किया जाएगा। कितने जनपद सदस्य? जनपद सदस्य हमारे टोटल 25 हैं, जिसमें से एक निर्विरोध था, अर्थात 24 हमारे सदस्य जिनको प्रमाण पत्र वितरित किया जाना है। पंच कितने थे और सरपंच कितने? पंच के हमारे 165 वार्ड हैं और सरपंच के लिए 96 पद हैं, उसमें से एक निर्विरोध था, तो 95 सरपंचों को प्रमाण पत्र दिया जाएगा। सर सभी शामिल थे प्रमाण पत्र लेने के लिए? नहीं, काफ़ी लोग आए नहीं, जो आ रहे हैं उनको दे रहे हैं, बाकी को रजिस्टर्ड एडीसी जाएगा आयोग के निर्देशानुसार। देवास से ब्यूरो चीफ अभिषेक सोनी की रिपोर्ट।